महान सम्राट अशोक, जिनको देवानम प्रियदर्शी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, भारत के सम्राट के रूप में इनका उदय हुआ। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत जब सम्राट अशोक गद्दी पर बैठते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इनके गद्दी पर बैठने के पीछे एक पूरा इतिहास छुपा है। इन इतिहास के पीछे की सारी जानकारी हमें केवल प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होती है और ये बातें कितनी सत्य है इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव संप्रदाय के फॉलोअर थे और बहुत गुस्सैल मिजाज के शासक भी थे। श्रीलंका के प्रसिद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक के बड़े भाई सुशीन को गद्दी पर बैठने की आज्ञा मिली थी, किंतु अशोक के मंत्रियों ने छल से अशोक का राज्याभिषेक कर दिया, जिससे अशोक और उनके भाइयों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। और श्रीलंका के ही महावंश ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि अशोक ने अपने सभी 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। इस गद्दी को अपनाने के लिए अशोक ने केवल अपने एक बड़े भाई को जीवित छोड़ा था।